हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लोकल में आम जनता के लिए मिल चुकी है राहत आज से। जी हाँ दोस्तों, आज यानी 23 दिसंबर से। तो 23 दिसंबर से आज आपको जो है राहत मिल चुकी है। तो कौन से समय में आप यानी आम जनता सफ़र कर सकती है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइम बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों, तो आप जाइएगा मत कहीं पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस ऑफिशियल अपडेट को देखने से पहले अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए या जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई खबर आए रेलवे से जुड़ी या देश दुनिया से, तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोकल से जुड़ी जो खबर निकल के आ रही है उसका मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द पीक आवर्स इंप्लॉयज ऑफ द एजेंसीज इन्वॉल्व इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल पब्लिक एमिनिटीज एजेंसीज डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई ट्रेडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिसरी एंड इक्विपमेंट एंड देयर स्पार्स एसोसिएट विद द इसेंशियल गुड्स एंड सर्विस आर अलाउड टू ट्रेवल। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा, मेंशन किया होगा, जी हाँ, कि ड्यूरिंग पीक आवर्स यानी कि जो समय है पीक आवर्स का। तो पीक आवर्स का समय क्या होता है? सुबह होता है 7:30 बजे से लेके लगभग 10 बजे तक, 10:30। ये 3 घंटे का जो समय होता है सुबह मॉर्निंग का, ये पीक आवर्स में आता है। शाम की बात करें तो लगभग 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये पीक आवर्स आता है। लगभग 6 घंटे का जो समय होता है ये पीक आवर्स में आता है, क्योंकि इस समय इम्प्लॉयज़ ज़्यादा इकट्ठा होते हैं स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि ये समय होता है ऑफिस का टाइम होता है, इसलिए इसे पीक आवर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीक आवर्स में सफ़र करने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि पीक आवर्स में जो समय है वो नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पे दिया ड्यूरिंग द पीक आवर्स इंप्लॉयज़ ऑफ एजेंसी। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, जो इनके स्पेयर पार्ट्स हैं, जैसे कभी कोविड में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इंजेक्शन्स हैं, पार्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर बनाई जाती है, जो प्राइवेट सेक्टर में बनती है। अब जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां बनाती है, उन कंपनियों के इम्प्लॉयज़ को ये सब कुछ फ्री है, यानी कि सफ़र करने की अनुमति सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिमिलरली द इम्प्लॉयज़ ऑफ एजेंसी विच प्रोवाइड एनेसलरी एंड कोलाबरेटिव सर्विस लिंक टू इसेंशियल सर्विस एंड ऑल एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स आर आल्सो परमिटेड टू ट्रेवल इन सबर्बन ट्रेन्स। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो हेल्थ है, फिटनेस सर्विस है, जो कंपनियाँ प्रोवाइड करती है, अब हेल्थ से रिलेटेड जो भी सामान बनता है प्राइवेट कंपनियों में, उन सभी चीज़ों को यानी उन सभी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से परमिशन है लोकल में सफ़र करने की। जी हाँ, आम जनता के लिए राहत का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इम्प्लॉयज़ हैं जो फिटनेस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आप किसी क्रिकेट के ग्राउंड में ले लीजिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो स्टाफ होते हैं, प्राइवेट होते हैं, जी हाँ, जो रख रखाव का काम करते हैं, कुछ गार्डनर्स होते हैं, कुछ क्रिकेट के बैट्स वगैरह जहाँ से आते हैं, जिन कंपनियों से बनते हैं बॉल्स वगैरह, उन लोगों को बैडमिंटन के डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, उन्हें भी मिल गया मौका। यानी स्पोर्ट्स सेक्शन में जो भी आता है, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, चेस हो, सभी लोगों को मौका मिल चुका है। अब बात करें फिटनेस और हेल्थ की, बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी, देखिए, प्रोटीन्स की वगैरह ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें, उसके बाद हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ जो चीज़ रिलेटेड है आपके हेल्थ से, उन सभी इम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर मौका मिल गया। और जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो सामान बनते हैं, देख लीजिए यहाँ पर वो भी दिया हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, इक्विपमेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। जी हाँ, स्पेयर पार्ट्स यानी जो काम में सामान में आते हैं, जैसे अब स्ट्रेचर ले लीजिए, वहाँ पर जो बनते हैं, वहाँ पे जो स्ट्रेचर्स वगैरह जहाँ बनते होंगे, जिस भी कंपनियों में, उस कंपनी में जो भी काम करते हैं इम्प्लॉयज, उन्हें पूरी तरफ से, जी हाँ, अनुमति मिल चुकी है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उन सभी लोगों को पूरी तरह से मौका मिल चुका है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ से बनता हो सामान, उस कंपनी के इम्प्लॉय, चाहे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो सामान लेकर जाते हैं, जिसे हम सेल्स पर्सन कहते हैं, जी हाँ, अगर एक सरल शब्द में कहे तो सेल्स पर्सन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक सामान दूसरे संगत तक ले जाते हैं, उनको भी मिल चुका है। सप्लाई करने वाले, वही चीज़ वगैरह ट्रेडिंग करने वाले लोगों को भी दे दिया है। तो इन तमाम लोगों को जो है मौका मिल चुका है, लेकिन ये मौका कब मिला है, ये आपको पीक आवर्स में मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, ड्यूरिंग दिस पीक आवर्स ओनली इम्प्लॉयज रेंडरिंग इसेंशियल सर्विस वुमन इसेंशियल सर्विस स्टाफ प्रोवाइड कंपनीज कैन ट्रेवल इन द
वर्क मीन स्पेशल ऑपरेटेड ऑन द चेन्नई सबर्बन रूट्स। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ड्यूरिंग जो पीक आवर्स होंगे उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति है जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें मौका दिया गया है। सरकारी कर्मचारी में इसका मतलब ये नहीं कि सबको, जिनको मौका मिला है काम करने के लिए तो वो लोग, साथ में रेलवे की इंप्लॉयज़ तो हमेशा कंपलसरी होते हैं, और बैंकर्स के लिए, वुमेंस के लिए, इन लोगों को पीक आवर्स में, जी हाँ पीक आवर्स मतलब जो समय दिया गया है, और बाकी का जो समय बचता है यानी कि 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, इसके बीच आम जनता में लोग सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं।